मास्टरमाइंड पे। देखिए बिहार में जो है शिक्षकों की घोर कमी है, इसको लेकर के आज हिंदुस्तान के अखबार से क्या खबर निकल करके आया है, आइए हम लोग विस्तृत जो है जानकारी जानते हैं। कहा जा रहा है कि मध्य विद्यालय लौतन में 300 बच्चे नामांकन पर शिक्षक महज 3 हैं। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में कर दी तालाबंदी और शिक्षकों की कमी के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र, छात्र भी अब धरने पर बैठ रहे हैं और अभिभावक भी। और इधर एक तरफ जो है पटना में आंदोलन के लिए अभ्यर्थी भी आक्रोशित है, आंदोलन करने के लिए 22 सितंबर को उन्होंने डेट ऐलान कर दिया है। तो क्या खबर है आइए हम लोग जानते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों की कमी के खिलाफ बच्चे अभिभावक सोमवार को धरने पर बैठ गए। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। मुरैल के मध्य विद्यालय लौतन में सोमवार को बच्चों के साथ ही अभिभावकों का भी आक्रोश फूट पड़ा। स्कूल में 300 बच्चों के नामांकन लेकिन शिक्षक महज 3 होने पर अभिभावकों ने विरोध जताया। कभी एक तो कभी दो कक्षा की पढ़ाई होने पर बच्चों में गुस्सा दिखा। एक बच्चा के बाद अगली 4 कक्षा का तक जो है इंतजार, बच्चों ने दर्द सुनाया। तो अभिभावकों की पीड़ा के पिछले 12 साल से हम लोग शिक्षकों की कमी की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देर शाम दुर्गा पूजा के बाद 3 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आश्वासन पर अभिभावक माने। यह स्थिति जिले में एक स्कूल की ही नहीं बल्कि 205 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 800 से अधिक स्कूल में कहीं 2 तो कहीं 3 शिक्षक ही हैं। और इस वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं और शिक्षा मंत्री तक ज़रूर पहुँचाएं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक ज़रूर पहुँचाएं। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि चितरंजन गगन तक ज़रूर पहुँच जाए। कहा जा रहा है कि उधर मध्य विद्यालय नरसिंहपुर लौतन में छात्र और अभिभावक के आंदोलन के बाद स्कूल के सभी शिक्षक ने मुरैल डाइट केंद्र में अपना योगदान दे दिया। ग्रामीण सकिंदर पासवान, रामललित प्रसाद, सचदानंद सुमन आदि ने कहा कि शिक्षकों की कमी के खिलाफ कई जो है वर्षों से प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आंदोलन को मजबूर होकर करना पड़ा। शिक्षकों की कमी से 8वें तक के बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, इससे उनका भविष्य चौपट हो रहा है। मामले में DPO और सर्व शिक्षा अभियान विभा कुमारी ने बताया कि जिन स्कूलों में बच्चों अधिक है और शिक्षक कम है उसकी सूची सभी प्रखंड से मंगाई जा रही है, जल्द ही वहां शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया जाएगा। और 205 स्कूल ऐसे जिले में चल रहा है जहां एक शिक्षक है के भरोसे ही चल रहा है और 800 से अधिक स्कूल में कहीं 2 तो कहीं 3 शिक्षक है। तो एक घटना थी मुरैल मुजफ्फरपुर की। आप लोगों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़रूर मुख्यमंत्री तक और जो है शिक्षा मंत्री तक की बात को पहुँचे और शिक्षकों की भर्ती जल्द हो। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।